देखो बच्चों, ये लिमिट और इंटीग्रेशन का मिला जुला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने लिमिट टॉपिक में भी काफी किए थे, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे ये x माइनस थ्री है, लिमिट x टेंडिंग टू थ्री x अपॉन x माइनस थ्री, और इंटीग्रेशन थ्री टू एक्स साइन टी बाई टी, और देखो यहाँ पर ये डी टी है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने इंटीग्रेशन में भी देखो काफी सारे, लिमिट में भी काफी सारे किए थे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको पहले भी। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लें, एक्स टेंड, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब हम इनमें लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल लगाने के लिए जीरो बाय जीरो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म को बनाना जरूरी होता है ना। अदरवाइज इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हमें लॉपिटल रूल लगाना ही पड़ेगा। देखो ध्यान दो, ये ऊपर का टर्म है थ्री से लेकर के एक्स, और देखो यहाँ पर क्या हुआ साइन टी बाई टी डी टी, और देखो इसको हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस थ्री और डिवाइड बाई x, देखो ये ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम x को थ्री पुट करेंगे देखो क्या होगा कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, है ना। और अगर हम x को थ्री पुट करेंगे ये दोनों सेम हो जाएंगे, और दोनों सेम का मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगी, है ना। अगर हम x को थ्री पुट करेंगे देखो दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम का मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर के ये जीरो बाय जीरो फॉर्म देखो यहाँ पर बन जाएगा जो हम चाहते हैं ना। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म देखो यहाँ पर ये बनेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। अब जीरो बाय जीरो फॉर्म को हटाने के लिए देखो क्या करना पड़ता है हमको, जीरो बाय जीरो फॉर्म को हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लॉपिटल रूल का यूज करें। देखो ध्यान दो, लॉपिटल रूल क्या कहता है कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका वही हमें लेमनीज रूल लगाना पड़ेगा, क्या बोलो कि टी की जगह पर अपर लिमिट, देखो क्या होगा साइन एक्स बाई एक्स, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि वन, माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट साइन थ्री बाई थ्री, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन जीरो, है ना। टी की जगह पर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन वन, माइनस टी की जगह पर थ्री थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो, और होल डिवाइड बाई, देखो ध्यान दो अब हमें डिनोमिनेटर में भी डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। अब देखो जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस थ्री बाई एक्स है, ठीक है, x माइनस थ्री बाई एक्स। देखो ऐसे ये अपने पास फंक्शन है x माइनस थ्री बाई एक्स, इसका करना होगा हमें डिफरेंशिएशन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, या तो इसमें न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला यूज करो, या देखो मैं थोड़ा आसान कर देता हूं इसको अलग अलग कर लो, वन माइनस थ्री बाई एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा, है ना। इसको हमने सेपरेट किया, देखो वन का हो गया जीरो, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट, वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया थ्री बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ध्यान दो, वन का जीरो, माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, वन बाई एक्स का हो गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो थ्री बाई एक्स स्क्वायर, देखो यहां पर ये हो गया थ्री बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, इसको थोड़ा अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3, अब देखो ये हो गया है sin x by x, देखो ये हो गया 0, और होल डिवाइड बाय 2 क्या बचेगा 3 by x square, ठीक है। इसको देखो थोड़ा हम और सिंपलीफाई कर लें, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया है sin x by x, और देखो यहाँ पर हो गया x square by 3, ठीक है। अब देखो हम x को अगर 3 पुट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा sin 3 by 3, और देखो x को 3 रखेंगे तो 9 by 3, ठीक है। अब देखो ये भी 9, ये 9, 9 से 9 कैंसिल होगा, तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा sin 3। एक बार फिर से काफी इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आसानी से, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, है ना। तो लिखो बच्चों जरा ध्यान से पहले इसको,